ठंड के मौसम में दिल्ली वाले दिल खोल कर खाते हैं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। लेकिन इन दिनों दिल्ली वालों का जायका बिगड़ा हुआ है। वजह है प्याज, जिसकी कीमत 100 रुपए किलो के ऊपर चढ़ी तो अब तक उसका भाव नीचे ही नहीं उतरा। सरकार ने प्याज की किल्लत देख तुर्की और इजिप्ट से प्याज का आयात किया। भारी मात्रा में ये विदेशी प्याज दिल्ली की मंडियों में भी कब किया धमकी है, लेकिन देशी प्याज से इनकी कीमत कम होने के बावजूद इसकी बिक्री धीमी है। इसकी उम्मीद दुकानदारों ने भी नहीं की थी। 70 रुपए केजी बिक रहा है मंडी में, क्या लोग खरीदने में दिक्कत हो रही थोड़ी सी? क्या वजह क्या है? कुछ तो महंगी है, कुछ टेस्ट नहीं बता रहे इसमें। हमने तो खाया नहीं है, टेस्ट नहीं बता रहे लोग, कम टेस्ट है इसमें। जो अपने आगे प्याज तो इंडियन प्याज है उसके मुकाबले टेस्ट कम है। टेस्ट कम है। देखने में सुनहरे रंग की ये प्याज खूबसूरत भी है और आकार में बड़ी भी। लेकिन सिर्फ सूरत से भला काम चलता है किचन का? सीरत भी तो होनी चाहिए, जो नहीं है। और जब प्याज में वो स्वाद ही नहीं तो भला कोई क्यों खरीदे? इसमें टेस्ट नहीं है, पानी की तरह है बिल्कुल। गिरने के बाद में वैसे भी घुल जाती है प्याज। इसमें टेस्ट नहीं है बिल्कुल, डिमांड नहीं है इसकी, बिल्कुल भी बिक ही नहीं रही है। देख रहे हो आप, भरी पड़ी है सब पर। इस बार भारत में ज्यादा बारिश की वजह से प्याज की फसल को काफी नुकसान हुआ था और उत्पादन में 25% तक की गिरावट आई थी। जाहिर है मांग अधिक और उत्पादन कम होगा तो कीमतों में इजाफा तो होना ही था। लेकिन जो सोचकर विदेशी मुल्कों से प्याज की खरीद की गई वो काम तो हुआ ही नहीं। पिछले 3 महीने से भारतीय प्याज की अगर बात की जाए तो 100 रुपए के पार जो इसके दाम हैं वो बरकरार हैं। लेकिन इसी बीच तुर्की और इजिप्ट से जो प्याज आए हैं उसके आप साइज आप देख सकते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के उखला मंडी में मौजूद हैं और इसका जो साइज आप देख सकते हैं अपने आप में साइज खास है। लेकिन इसकी अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट लेस है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्याज है वो बिल्कुल टेस्ट लेस है और ग्राहक जो हैं यहाँ आते हैं लेकिन इस प्याज को नहीं खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्याज है वो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन जो भारतीय प्याज हैं वो उसे लोग जो है ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो सही नहीं है। लिहाजा इसके जो रेट्स हैं वो 70 से 80 रुपए किलो जो है वो खुदरा मंडी में जो है वो बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय प्याज की अगर बात की जाए तो अभी भी 100 रुपए के पार उसके जो रेट हैं वो जारी हैं। दिल्ली वालों के मुंह तो लाल प्याज ही लगी है। दिल्ली वालों का दिल तो अपनी लाल प्याज ही खरीदने का करता है, लेकिन क्या करें, जब जेब को दिल की बात पर यकीन ही नहीं होता और तभी दिमाग हावी हो जाता है। टेस्ट ठीक है पर इतना अच्छा नहीं है, पर व्हाइट होने के कारण लाल प्याज का मुकाबला कम ही करता है। आप लाल को छोड़कर लाल लेने आए? नहीं, मैं अभी व्हाइट ही लूंगा लेने में, क्योंकि लाल में थोड़ा सा साफ नहीं प्याज, इस चलते लाल ले लूंगा। टेस्ट कैसा है? टेस्ट इतना नहीं, टेस्ट ठीक ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें से। प्याज की तरह ही इसके ग्राहकों की किस्में भी हैं। कुछ मजबूरी में ले रहे हैं तो कुछ के लिए विदेशी प्याज ही बेहतर है, क्योंकि उन्हें खुद खाना नहीं है, बर्गर में दूसरों को खिलाना है, फिर स्वाद जैसा भी हो उनकी बला से। टेस्ट का मतलब नहीं, हम लोगों को बर्गर में डालना है ना। कैसे में डालना? बर्गर में। बर्गर में हम लोगों लिए बड़े बड़े प्याज चाहिए, तो इसलिए नया प्याज है ना, इसलिए टेस्ट नहीं हो रहा, बाद में हो जाएगा। और एक किस्म और भी है खरीदारों की, जो सोचता है कि सब्जी के लिए ना सही, सलाद के लिए चली जाएगी ये प्याज। बड़े वाले प्याज ठीक है, मतलब सलाद के मतलब का प्याज है वो, सब्जी के लिए सही, सब्जी के लिए ठीक नहीं है वो प्याज। क्या वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, तो बाहर का प्याज है, लोग वालों को समझ में नहीं आ रहा है। टेस्ट नहीं है? टेस्ट तो है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोग है ना उनके समझ में आता है ये प्याज। अभी ये मुँह नहीं लगा है यहाँ के लोगों में। हाँ जी, तो देखा आपने, प्याज की किस्में हैं तो खरीदार भी किस्म किस्म के हैं। लेकिन बात इतने से ही नहीं बनती, सस्ता सुंदर तो चाहिए लेकिन टिकाऊ भी होना चाहिए। और जब स्वाद ही ना टिके तो भी टर्की और इजिप्ट से क्या मतलब। नहीं खरीदेंगे सुनहरी प्याज, हम खाएंगे कम खाएंगे लेकिन अपनी वाली ही खाएंगे लाल प्याज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।